अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। दोस्तों, आज की हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मोहब्बत क्या है। बहुत सारे लोग इस मौजू को बयान नहीं करते, इसलिए आज की हमारी वीडियो बहुत ही दिलचस्प है, जिसके ज़रिए हम आपको बताएंगे कि मोहब्बत क्या है और ये क्यों होती है। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को आगाज़ करें, हमारी नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल द इन्फो उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो बज़रिया नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। एक शख्स अपनी बीवी को लेके हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में आया और दस्ती अदब को जोड़कर अर्ज़ करने लगा, या अली, ये मेरी बीवी है, मैं इससे बेपनाह प्यार करता हूँ, मुहब्बत करता हूँ, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानती। मैं इसे जो हुक्म देता हूँ वो तस्लीम नहीं करती। बस ये कहना था तो हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, कौन कहता है कि तुम उससे मुहब्बत करते हो? उसने कहा, या अली, मैं मुहब्बत करता हूँ, इसका गवाह मैं खुद हूँ। हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मुहब्बत और पसंद में फ़र्क है। जो इंसान अपने आप से मुहब्बत करता है वो चीज़ों को पसंद करता है, और पसंद करने के बाद ये चाहता है कि मुझे पसंद आने वाली चीज़ मेरे हुक्म को तस्लीम करे, मेरी बात को माने। लेकिन जहाँ मुहब्बत होती है, इश्क होता है, प्यार होता है, वहाँ इंसान अपनी मर्ज़ी को, पस्त और अपने वजूद को खम कर देता है। ऐ शख्स, याद रखना, मुहब्बत की सबसे अजीम दलील सजदा है। झुकने को मुहब्बत कहते हैं, खुद को फना करके अपने महबूब की रज़ा तस्लीम करने को मुहब्बत कहते हैं। अपनी खुशी को कुर्बान करके उसकी खुशी में खुश होने को मुहब्बत कहते हैं। शैतान अल्लाह को पसंद करता था, लेकिन अल्लाह से मुहब्बत नहीं करता था। जहाँ मुहब्बत होती है, वहाँ सवाल नहीं होते, वहाँ शिकवे नहीं होते। जब अल्लाह ने कहा कि आदम को सजदा करो, तमाम फरिश्तों को अल्लाह से मुहब्बत थी, बस अल्लाह के हुक्म के नज़दीक अपने आप को खम कर दिया। लेकिन शैतान सवाल कर बैठा, और यही से मुहब्बत और पसंद का फ़र्क वाज़े हो गया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।